मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जीवनी। इनके मुख्य बिंदुओं के बारे में मैं प्रकाश डालूंगी इस जीवनी में। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं मैं उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है महाराष्ट्र के बेलगांव। इनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल था और माता का नाम गंगा देवी था। इनके गुरु मिरज के पंडित बालकृष्ण बुआ थे। इनका नाम है इनके गुरु का नाम। इनकी रचनाएं हैं राग प्रवेश, संगीत शिक्षा, संगीत बाल प्रकाश जो 20 भागों में विभाजित है, महिला संगीत, कुल मिलाकर इन्होंने 50 पुस्तकें भी लिखी हैं। इनकी जो प्रस्तुतियां हैं वो इस प्रकार हैं, सतारा में गायन का प्रोग्राम दिया इन्होंने, फिर दिल्ली में इन्होंने प्रोग्राम दिया, उसके बाद ग्वालियर, बड़ौदा, लाहौर आदि शहरों में इन्होंने संगीत कार्यक्रम किए हैं। इनके योगदान हैं इस प्रकार हैं, इन्होंने 5 मई 1901 को लाहौर में संगीत प्रचार के लिए गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। 1908 में मुंबई में दूसरी शाखा भी खोली जो 15 वर्ष तक चली। रघुपति राघव राजा राम ये बहुत अच्छी तरीके से गाते थे। नासिक में राम नाम आश्रम की इन्होंने स्थापना की है। आज भी मुख्य केंद्र गांधर्व महाविद्यालय मुंबई में है जहां उनकी पुण्यतिथि पर अनेकों संगीत प्रोग्राम किए जाते हैं। इनके पुत्र थे दत्तात्रेय विष्णु जी, ये इनका नाम है। 35 वर्ष संगीत की सेवा की है इन्होंने। इनकी मृत्यु हुई है 21 अगस्त 1931 में। इनका घराना था ग्वालियर घराने से थे ये। दीपावली के दिन इनकी आँखें खराब हो गई थी। 15 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी।